फ्रॉम लखानी अरमान। तो डॉक्टर कॉलिंग के अपने कार्यक्रम में हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों के बारे में। और पहले के समय में एक उम्र के बाद लोगों को दिल से जुड़ी समस्याएं होती थी, लेकिन बदलता लाइफस्टाइल लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी में अब किसी भी उम्र के व्यक्ति को हृदय रोग हो सकता है, और बात अगर दिल के ऑपरेशन की हो तो फिर बड़ों बड़ों का जो दिल है वो सहम जाता है। ऑपरेशन के बाद क्या होगा और ऑपरेशन कराना जो है वो कितना मुश्किल होगा, इसको लेकर भी बात यहाँ पर होती है। जैसे तमाम सवाल जो हैं उन पर आज हम बात करेंगे। और लेकिन दिनों दिन बढ़ते विज्ञान में ऑपरेशन के जो रिस्क फैक्टर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और लेकिन दिल से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसको समय रहते अगर समझना और इलाज कराना बेहद ज़रूरी होता है। और हार्ट सर्जरी से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ हार्ट सर्जन डॉक्टर राकेश चुग जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राकेश चुग जी, हार्ट सर्जरी के बारे में जब भी बात आती है लोगों के मन में कई चीज़ें, कई भ्रांतियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अब ऐसे में हार्ट सर्जरी की ज़रूरत कब होती है और कितनी सक्सेसफुल होती है हार्ट सर्जरी, ये हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। आजकल के समय में हार्ट सर्जरी 99% एकदम सेफ है, और अगर किसी को ज़रूरत है, जैसे डायबिटिक है या लेफ्ट मेन डिजीज़ है या फिर तीनों आर्टरीज में उसके ब्लॉकेज है, तो बाईपास सर्जरी आराम से करवा सकते हैं और रिकवरी एब्सोल्युटली 100% होती है। तीसरे दिन मरीज अपने आप उठ के चल सकता है और पांचवें छठे दिन आराम से घर भी जा सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर राकेश जी, क्योंकि हार्ट सर्जरी के बारे में अगर हम बात की जाए, अगर किसी मरीज ने हार्ट सर्जरी करवाई है तो उसे क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एहतियातन चीज़ें हैं जो कि हमें उस वक्त ध्यान रखनी होती हैं। शुरुआत में तो एक इन्फेक्शन का रिस्क रहता है जी। उस समय में पहले 15 दिन में मरीज को, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, तो उनसे मिलना जुलना कम से कम रखना होता है जी। और थोड़ी सफाई वगैरह तो रखनी ज़रूरी है ही, प्लस वॉक ज़रूरी है, कमरे के अंदर ही करें, बाहर ना जाएं, और पहले महीने में कोई भारी वज़न वगैरह ना उठाएं जी। उसके बाद अपना नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं और गाड़ी चलाना और बाकी सारा ऑफिस वर्क 1.5 महीने बाद वापस ज्वाइन कर सकते हैं जी। कितने प्रकार की होती है हार्ट सर्जरी की, अगर हम बारे में जानना चाहें विस्तार से? जैसे हार्ट सर्जरी मोटा मोटा बाईपास तो कॉमनेस्ट है, उसमें दिल की 3 मेन आर्टरीज होती हैं, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, उसको नई आर्टरीज लगती हैं या वेन्स लगती हैं, उसको बाईपास ऑपरेशन बोलते हैं जी। ये कॉमनेस्ट ऑपरेशन है, और आजकल के लाइफस्टाइल जिसमें स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं, धूम्रपान बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल, डायबिटीज़ लेवल्स बहुत हाई हैं, इनमें काफ़ी कॉमनली देखा जाता है जी। अगर कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसमें और भी जल्दी अर्ली एज में हो जाता जी। है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, करतार सिंह जी हैं। जी करतार सिंह जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी जी, सवाल पूछिए करतार सिंह जी आप अपना। हाँ जी हाँ जी, मेरे ना थोड़ा सा सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, 5-7 दिन हो गए हैं जी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी करतार सिंह जी? 51। अच्छा, कोई पहले चेकअप कराया हुआ है आपने कभी? पहले सब चेकअप करवाया था मैंने, अपना स्टोन का करवाया था ऑपरेशन, उसमें सारे टेस्ट नॉर्मल थे सब। अच्छा, कितना समय हो गया इस बात को?
ये हो गया जी, लगभग हो गया साल के करीब, हो गया साल हो गया। अच्छा, उसमें आपने स्ट्रेस इको वगैरह कराया था कुछ या TMT? हाँ जी जब आपने बता रहे थे ना स्टोन का चेकअप कराया था, जी जी तो आपने स्ट्रेस TMT या कुछ स्ट्रेस इको कराया था? इको इको तो नहीं कराया था, बाकी वो कराया था। अच्छा, तो आपके जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल हैं या कोई भी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं वहाँ पे जाके आपको एक TMT या इको कराना होगा। और दूसरा कारण सांस फूलने का हो सकता है कि लंग्स की तकलीफ़ हो आपको, कोई एलर्जी हो या अस्थमा हो। नहीं, एलर्जी वगैरह तो कुछ नहीं है, बाकी थोड़ी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है और थोड़ी छाती में ना दर्द सी होती है थोड़े दिनों के। हाँ, तो फिर तो आपको ज़रूर एक ECG करा के, अगर वो उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो फिर आप नियरेस्ट कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट या हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं और वो फिर आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जी इसको लाइटली मत लीजिए, जल्दी से चेक कराइए। बिल्कुल, और दर्शकों आपको भी हम बता दें कि अगर आपके भी सवाल हैं इस समस्या से रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर राकेश चुग जी, क्योंकि अब बच्चों की अगर हम बात की जाए, आजकल तो छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है कि या तो जन्म से ही बच्चे के दिल में अगर या तो छेद होता है, होल होता है, या फिर ब्लॉकेज होती है, ऐसे में क्या कोई उम्र होती है कि हमें तब सर्जरी कर देनी चाहिए, वो सक्सेसफुल है, वो सेफ रहता है? जैसे अगर आजकल तो इन्वेस्टिगेशंस इतने एडवांस हो गए हैं कि बच्चा जब पेट में होता है तब भी फीटल इको करके हम उसको पता लगा सकते हैं कि उसमें दिल में छेद है, वो अपर चैम्बर्स में, ऑरिकल्स में या फिर वेंट्रिकल्स के बीच में है, वेंट्रिकुलर जी सेप्टल डिफेक्ट। और उसका इलाज अगर डिपेंडिंग कि वो एकदम आर्टेरियल डिफेक्ट है या TGA है तो एकदम पैदा होते ही हो सकता है उसका इलाज। जी और कई बच्चों में जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो उसमें स्कूल जाने से पहले तक वेट कर सकते हैं जी और तब उसका इलाज हो सकता है। जी और अगर बाई चांस कई केसेस में पता भी नहीं लगता तो अगर आप रेगुलर चेक या कोई भी उसको चलने पे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कुछ भी सांस फूलता है या बच्चा जल्दी थक जाता है या उंगलियां नीली पड़ रही हैं जी तो एक बार ज़रूर चेक कराना चाहिए। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुसुम है जी। कुसुम जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, जी कुसुम जी, सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछिए। मेरे हस्बैंड के पास में कौन रहता है? मेरे जी एक बार फिर से बोलेंगे क्या रहता है? हाथ में पेन होता है अच्छा जी, कब जी, से? ये मतलब कई दिन से लगातार चल रहा है। अच्छा, तो उनका ECG कराया आपने कुछ? ECG में तो ठीक आया, उनका अच्छा, तो उनको कुछ शुगर है या BP रहता है? बीपी रहता है, शुगर नहीं। अच्छा, तो उनको आप किधर रहते हैं, तो नियरेस्ट कोई भी हृदय रोग विशेषज्ञ है उनको दिखाया कभी? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, मैंने रेफर किया था दूसरे हॉस्पिटल में। हाँ जी, तो उनका एक आप TMT टेस्ट या स्ट्रेस इको टेस्ट कराइए, अगर हार्ट का रोग होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा। अच्छा जी, और ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं वो? हाँ ब्लड प्रेशर की भी लेते हैं। हाँ, सबसे पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही चेकअप कराइएगा। जी चलिए, उम्मीद है कुसुम जी कि आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि बात आपने अभी डायबिटीज और आपने की है ब्लड प्रेशर की, क्योंकि ये समस्या जो है अमूमन काफी देखी जाती है लोगों में, अब ऐसे में अगर नौबत आती है हार्ट सर्जरी करवाने की तो क्या वो खतरनाक हो सकती है? कितना परसेंट सक्सेसफुल रेट होता है इस दौरान? एक्चुअली डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों में ही दिल की ब्लॉकेजेस ज़्यादा होती हैं, और अगर ट्रिपल वेसल डिजीज़ है या लेफ्ट मेन डिजीज़ है तो बाईपास सर्जरी स्टेंटिंग से कहीं ज़्यादा बेहतर है, जी उसमें सर्वाइवल एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। और आजकल तो ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें रिकवरी दूसरे दिन या तीसरे दिन मरीज़ अपने आप उठ के चल फिर सकता है, बिल्कुल। और कईयों में तो चेस्ट बोन भी काटनी नहीं पड़ती और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी रहती है। जी और तो इन केसेस में जिनमें भी डायबिटीज़ है या लेफ्ट में डिजीज़ है या लंबे सेगमेंट्स में ब्लॉकेजेस है तो उसमें ज़रूर बाईपास के लिए ही जाएं, जी क्योंकि उसमें सर्वाइवल एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। और इंडिया बीइंग डेवलपिंग इकोनॉमी जी तो उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट भी, अगर एक बार बाईपास करा लें जी तो लंबे टाइम तक आप
उससे रोग से बचे रहेंगे। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महिपाल राठी जी हैं, आप अपना सवाल पूछिए महिपाल जी। हेलो महिपाल जी, सवाल पूछिए आप अपना। मैंने भी रोहतक पीजे आपकी सर्जरी करवाई थी। हाँ जी, हाँ, बाईपास सर्जरी। अच्छा जी। उसमें अब फिर बाल लीक होगी एक साल के बाद। अच्छा, तो उसमें आपको बताया होगा कि अब क्या इलाज होगी। अच्छा, एक बार आप वो बताएंगे उसमें हार्ट की पंपिंग कितनी बताई थी ऑपरेशन के टाइम और अभी कितनी है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस दिक्कत की बात कर रहे थे कि बाईपास सर्जरी उन्होंने करवाई थी लेकिन एक साल बाद फिर प्रॉब्लम आ गई है सर, वही मेरा अगला सवाल भी है कि एक बार हमने अगर कोई सर्जरी करवा लिया हार्ट से रिलेटेड तो कितने चांसेस होते हैं कि आगे चलकर वो दिक्कत दोबारा ना आए। उसमें 90% चांस होता है कि अगर एक बार इवेल्युएशन बहुत अच्छी तरह किया गया है, उसके वेल्व्स और तीनों आर्टरीज, उसकी हार्ट की पंपिंग, सब चीज़ अच्छी तरह चेक करने के बाद सर्जरी एडवाइस करी गई है, तो उसमें अगर वेल्व में भी लीकेज थी, जैसे ये बता रहे हैं इनको एक साल बाद वेल्व में लीकेज है जी, तो वो आइडली तो उसी टाइम पहले ऑपरेशन के साथ साथ ही रिपेयर कर देनी चाहिए थी। और अगर अब है तो उस पर एक्चुअली दवाइयाँ एडजस्ट करेंगे, पानी की मात्रा इनटेक वो एडजस्ट करेंगे, और तब भी अगर वो वेल्व में लीकेज रहती है, दूसरा ये डिपेंड करता है कि वेल्व में लीकेज माइट्रल वेल्व में है कि ट्राइकस्पिड वेल्व में है जी। तो अगर वो माइट्रल वेल्व में है उसका डिफरेंट इलाज रहेगा, और ट्राइकस्पिड वेल्व में उसके लिए डिफरेंट प्रिकॉशंस लेने होंगे उनको। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल कुमार हैं। जी अनिल जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मुझे ऐसे सुबह उठता हूँ तो कभी कभी ऐसे ब्रेथलेसनेस होती है। अच्छा, ऐसे सांस चढ़ रहा होता है अक्सर, कई बार ऐसे होता है, सुबह करीबन वो 6:30 के टाइम पर ही होता है। यदि मैं 4 बजे 3 बजे उठता हूँ या फिर नहीं होता है। अच्छा, और फिर दोबारा 6:30 फिर ऐसी स्थिति बन जाती है। अच्छा, ECG करवाया था तो ECG ठीक आई थी। हाँ जी, हाँ, इसके लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप एक बार ECG से ऊपर एक टेस्ट होता है TMT या स्ट्रेस इको। TMT इको। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, वो जरूर करवाइए। अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो हार्ट पे लोड डालने से वो ECG में पकड़ में नहीं आती। कई बार जब हम TMT करते हैं तो उसमें तेज दौड़ना होता है, उसमें आपकी ECG चलते चलते रिकॉर्ड होती रहती है। जी सर, जी सर, तो उसमें पूरा क्लियरली पता लग जाएगा। जी सर, तो वो करवाइए जरूर। बिल्कुल, तो दर्शकों आपको बता दें कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, और ये जो समस्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर भारत में अगर बात की जाए तो हार्ट रिलेटेड जो समस्या होती हैं वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसे में लाइफस्टाइल जो है वो भी काफ़ी मैटर करती है हमारी, क्योंकि दिनचर्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। डॉक्टर राकेश, हालांकि अब अगर हम बात की जाए प्रेग्नेंट वुमेंस की, अगर बात की जाए उस दौरान क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह सकती हैं अगर उस समय हार्ट सर्जरी करने की ज़रूरत आन पड़ती है तो। अब ऐसे कई टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें अगर बच्चे के दिल में छेद पकड़ में आ जाए जब वो बच्चा माँ के गर्भ में है, तो कई टेक्निक्स हैं जिनमें इंट्राफीटल सर्जरी पॉसिबल है, और या फिर जैसे ही डिलीवरी होती है उस टाइम भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं क्या नहीं लेने हैं वो इको के ऊपर डिपेंड करेगा जी, और प्लस माँ ने क्या प्रिकॉशंस लिए थे, माँ को डायबिटीज थी कि नहीं जी, या वो स्मोकिंग करती थी कि नहीं करती थी, इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमरजीत जी हैं। जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर, COPD क्या होती है जी? COPD जी लंग्स की बीमारी होती है, उसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। तो वो एलर्जी करके हो सकती है या फिर आपको अस्थमा हो सकता है, तो ये कई सारी उसमें कॉमन ग्रुप, उसको COPD बोलते हैं। इसमें मरीज को सांस फूलने की तकलीफ रहती है, या सीजन चेंज होता है, या पोलन उड़ते हैं, या फूल जिस टाइम ज़्यादा आते हैं, या गेहूं कटती है उस टाइम सांस फूलने की ज़्यादा तकलीफ रहती है जी। बिल्कुल, और प्रवीण हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी प्रवीण जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरे पापा को अभी स्टंट डलाते, जो स्टंट डलते हैं ना जी, हाँ जी, हाँ जी, हार्ट में, उसमें
स्टंट डला था, तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें ज्यादातर? अच्छा, उनको स्टंट जब डला था तो हार्ट अटैक था क्या? सर जैसे हम डॉक्टर आर्टिमिस में गए थे गुड़गांवा। अच्छा जी। तो जैसे ही डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने ये बोला कि आप मतलब जैसे कि आपकी नस 95% रुकी हुई है। अच्छा, एक ही नस में ब्लॉकेज थी, बाकी दोनों ठीक थी? नहीं, हाँ दोनों ठीक थी, एक नस में ब्लॉकेज थी। ठीक है, तो अभी सर तो इसमें मतलब अभी वैसे तो चेकअप कराया था हमने जो भी फिट थे, लेकिन ज्यादातर सावधानियां क्या बरतनी चाहिए हमें? एक तो उनको डेली आधा घंटा जरूर वॉक करनी चाहिए, कभी भी सुबह टाइम मिले या शाम को, खाने से पहले। अच्छा। खाने के बाद ना चले। ओके ओके। और दूसरा, अगर स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू किसी भी फॉर्म में लेते हैं वो पूरा बंद कर देना चाहिए। ओके ओके सर। और तीसरा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में खाने पाने खाने का काफी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे तला हुआ घी मक्खन और ये चीजें कम से कम, मीठा कम से कम, और बाकी पैरामीटर्स जैसे वेट बढ़ने नहीं देना है, दवाई टाइम से लेनी है सबसे जरूरी। हाँ जी। और कोई भी अजीब सी सेंसेशन हो चलते टाइम दिल में या जहाँ छाती में बर्निंग सा सेंसेशन हो तो जरूर चेक कराएं, और एक बार साल में पूरी बॉडी का चेकअप बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का आपको जवाब जो है वो यहाँ पर मिल रहा होगा डॉक्टर राकेश के। लेकिन अगर हम बात की जाए, कई बार अक्सर हम सुनते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन कितना सक्सेसफुल रेट हार्ट ट्रांसप्लांट का होता है और कब इसकी जरूरत पड़ती है? हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत तब पड़ती है जब एक इंसान का हार्ट की पंपिंग बहुत वीक हो जाती है जी, और उसको अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करने में भी बहुत जोर लगाना पड़ता है, बाथरूम जाने तक में ही सांस फूल जाता है, और ऐसे केसेस को। लेकिन यही रहता है कि उसमें डोनर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अगर उसका क्रॉस मैच होके डोनर अवेलेबल है तो ट्रांसप्लांट हो सकता है जी जी, अदरवाइज वेटिंग पीरियड बहुत है। और इंडिया में मेजर मेट्रो सिटीज में ही अभी अवेलेबल है, और ट्रांसप्लांट के बाद एक्चुअली प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं जी जी, कोई भी इन्फेक्शन से आपको बचना है, खांसी जुकाम से बचना है, बिल्कुल, प्लस इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज हैं जो साथ में चलती है लाइफ लॉन्ग। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दलबीर जी हैं, आप अपना सवाल पूछिए सर। हाँ जी, मेरे ना शरीर में खारिश बहुत होती है, दवाई बहुत खाई है, कोई आराम नहीं आ रहा। किस चीज की दवाई खाई है? दवाई एलर्जी की दवाई खाई है, खारिश होती है शरीर के अंदर पूरे में। अच्छा, नहीं खुजली के लिए तो आप एक्चुअली जी, आज का हमारा जो विषय है वो हार्ट सर्जरी का है, और हम कोशिश और गुजारिश यही करेंगे दर्शकों से कि अगर आपकी समस्या जो है कुछ है या आप हार्ट सर्जरी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर राकेश, अगर बात यहाँ पर हमने हार्ट ट्रांसप्लांट की भी कर ली है, लेकिन उसके बाद अगर किसी की हार्ट सर्जरी होती है उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आखिर आप अपना ध्यान कैसे रखें, क्या कुछ करना चाहिए क्या कुछ नहीं करना चाहिए, और साथ ही जो आपकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल पहले हुआ करती थी वो क्या आगे भी ऐसी बरकरार रहती है? बिल्कुल, अगर जैसे आपने बाईपास कराया तो उसके बाद आप पांचवें छठे दिन तो वॉक कर सकते हैं, और उसके डेढ़ महीने बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो काम पहले करते थे, ऑफिस जाते थे, वो ज्वाइन कर सकते हैं। दो महीने बाद कार वगैरह चलाना सब कुछ शुरू कर सकते हैं, और तीन महीने बाद अपना अगर कोई खेती बाड़ी करता है या ट्रैक्टर चलाता है वो सब कुछ कर सकते हैं जी। उसमें ध्यान यही रखना है कि दवाई टाइम से लेनी है, बिल्कुल, और दूसरा स्ट्रेस लेवल्स कम करने हैं जी। स्ट्रेस लेवल्स कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? मेडिटेशन, बिल्कुल, रेगुलर वॉक, कोई स्पोर्ट्स जिसमें कि बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश चुग जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आज ये बेहतर जानकारियां दी हैं, और हार्ट सर्जरी से रिलेटेड हमने ये कार्यक्रम में आज चर्चा की है कि क्या कुछ करना चाहिए क्या कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने दिल का ख्याल रखना है तो बहुत जरूरी है कि आप संबंधित जो डॉक्टर हैं उन्हीं से जाकर मिलें, अपना इलाज कम से कम खुद ना करें। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए जनता टीवी के साथ, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।